कैथल में आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा, सांसद नायब सैनी, बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर नेताओं ने जिला कार्यालय में प्रांगण में पार्टी ध्वज फहराया और टीवी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी भाषण सुना। कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने कहा कि आज बड़े हर्ष की बात है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहा है और एक और हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कैथल से विपिन शर्मा, भारद्वाज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ से आपने किया, आपने पूछा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफी समय से हड़ताल पर हैं, क्या कुछ समाधान सरकार द्वारा? देखिए, भारतीय जनता हमारे जो ये आंगनबाड़ी वर्कर हैं, इनकी जो डिमांडें थी, जो इनकी बात थी, उनको जो जायज़ मांगे थी हमने मानी हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 29 दिसंबर को अपने निवास स्थान पर बुलाकर के साथ मीटिंग की और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। और अब जितनी पहले बैठी थी धरने पे इतनी नहीं है, 70% अपने काम पर लौट गई हैं, 30 से भी कम ऐसी हैं जो अभी बैठी हैं और वो भी जल्दी ही अपने काम पर लौटने का काम करेंगी। और जो जायज़ मांगे थे उनकी मानी और आगे मानने का। बहाल भी किया गया कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, ये तो विभाग का काम है, ये विभाग के अधिकारियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। जो काम पे जाएंगे उनको कौन सस्पेंड करेगा, अगर काम पे नहीं जाएंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। मैडम, प्ले स्कूल का कैसे भविष्य देखते हो, क्योंकि आंगनबाड़ियों को खत्म करके प्ले स्कूल में कैथल से ही शुरुआत खत्म नहीं करके देखिए ये खत्म नहीं किया जा रहा है, कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल मिलकर एक अच्छा उपयोगी चीज बन जाए। कैथल से ही शुरुआत की मैडम ने, ये तो एक शुरुआत की है आदरणीय मुख्यमंत्री ने, मंत्री जी ने 4000 प्ले स्कूल जो आंगनवाड़ी हमारे सेंटर उसमें विकसित करने का काम किया था। अभी इसमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं 3 से 5 साल तक के, वो खेल खेल में विकसित हों, सीखे, स्कूल के लिए तैयार हों, उनकी नींव मजबूत हो। तो अभी तो 4000 ही शुरू हुए हैं, तो उनमें हमने उसमें बदलने का काम नहीं किया, उसमें कुछ सीखने का, विकसित करने का काम किया। ट्यूबवेल कनेक्शन थे वो दे दिए थे, अब जो है कि जिन लोगों ने पैसे जमा करा रखे पूरे पैसे ट्यूबवेल के, उनके हमने टेंडर भी कर दिए, ट्यूबवेल कनेक्शन देना भी शुरू कर दिया। और एक ही शर्त लगाई है अब आगे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कि 50 हॉर्स पावर से ज़्यादा जो मोटर है उनको मना किया है। और हमने कहा है कि माइक्रो इरिगेशन आप अपनाएं, फवारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या मिनी स्प्रिंकलर, जिससे कि हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या है भूजल की। हर साल 1.5-2 मीटर नीचे पानी चला जाता है, पानी ख़त्म हो जाएगा ट्यूबवेल कनेक्शन दे दे। अभी जो बात चल रही है सारी जबानी है, कोई लिफ्टिंग कहीं से हुई नहीं है, खेतों में गेहूं है। और इस हमने सब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्योंकि जो कानून है मंडी का क्षेत्र है, तो जो भी खरीद फरोख्त हो वो मंडी के द्वारा हो, मंडी को उसका टैक्स मिले। मेरा सवाल राज्य मंत्री कमलेश डांडा से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, आज महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखाई दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पार्टी का स्थापना दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और 6 अप्रैल 1980 को हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उस अवसर पर आज हमारा सौभाग्य हमारे पार्टी के कार्यालय में हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे सांसद नायब सैनी जी उपस्थित हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन